Hey guys, welcome to the channel. आज हम लोग आए हैं निंजा वापस से. आज रिव्यू करेंगे निंजा 650 में. इसके बारे में आपको बताता हूँ जो EMI options है, जो schemes है, जो color, theme है, सब आपको I'll show you. So watch it till the end. आपको समझ में आ जाएगा क्या है overall package. इसका ऑन रोड मुंबई प्राइस है 8,90,000 और जो एक्स शोरूम है वो है 6,95,000. सो आपको निंजा की तरफ से मिलती है 9 लाख के अंदर 650 सीसी के व्हीकल. दिस इज़ द की ऑफ कावासाकी निंजा 650. जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर कावासाकी की बैजिंग दी हुई है एंड अपोजिट भी वही है. काफ़ी सिंपल और डिसेंट सी की है. फील्स रियली प्रीमियम. जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है की भी. अब बात करते हैं नंबर्स के बारे में. ये गाड़ी है 649 सीसी की जो कि प्रोड्यूस करता है 68 पीएस का पावर एंड 64 न्यूटन मीटर टॉर्क विच इज़ रियली ग्रेट. निंजा पावर डिलीवरी में ज़रा कोई कमी नहीं करता है. स्टार्ट से पावर डिलीवरी इज़ रियली ऑसम. आपको इसमें BS6 फ्यूल कंप्लाइंट इंजन मिलेगा. इंजन इज़ रियली ग्रेट. आप देख सकते हैं जो इंजन की फिटिंग है वो इतनी अच्छी है कि लिटरली आपको आर पार दिखेगा नहीं. ये एक्चुअली में एक निशानी होती है जब इंजन के आप आर पार नहीं देख सकते हो ना. एक अच्छी निशानी होती है कि जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा वेल मेड है. आप हार्ली वगैरह के अंदर भी नोटिस करेंगे यू कैन सी इट थ्रू. सो दिस इज़ द व्हीकल. जैसे कि आप देख सकते हैं जो कलर आप देख रहे हैं पर्ल रोबोटिक वाइट है. इसके अंदर एक लाइम ग्रीन भी आता है जो कि सिग्नेचर है निंजा का. दिखने में व्हीकल बहुत अच्छा लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा वॉक थ्रू करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गार्ड दिया हुआ है. देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं. यहाँ पे आपको 650 की बैजिंग दी हुई है. ये ग्रीन कलर का एक्सेंट है. ब्लैक देखने में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लगता है. जो सीट की कुशनिंग है दीज आर रियली सॉफ्ट. काफ़ी कंफर्टेबल है. यहाँ पे आपको टैंक पर 650 की बैजिंग दी हुई है. यहाँ पे आपको नोटिस दिया हुआ है. दिस लुक्स रियली ग्रेट. बहुत अच्छा लगता है. और यहाँ आपको इग्निशन का दिया हुआ है. यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले काफ़ी देखने में अच्छा लगता है. इसके बारे में आगे बात करते हैं. ये सब लीवर्स भी पूरा एडजस्टेबल्स है. सो जो मेन बॉडी है आप देख सकते हैं टैंक पे आपको निंजा की बैजिंग दिखती है ग्रे कलर में. देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. यहाँ पे आपको हेडलाइट का दिया हुआ है. ये आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है. एरोडायनामिक्स के लिए आपको स्पेस दी हुई है. इट वर्क्स रियली ग्रेट. जो ये टाइपोग्राफी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी लगती है दिखने के अंदर. आप इंजन का देख सकते हैं. यहाँ से आप एक्सेस वगैरह कर सकते हैं. इसमें डबल स्टैंड नहीं मिलेगा आपको. एग्जॉस्ट दिखाता हूँ आपको. एग्जॉस्ट इज़ रियली स्मॉल. जो आप स्टैंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे कावासाकी की बैजिंग के साथ नीचे कॉइल मिला है. लुक्स रियली ग्रेट. चलो अब दूसरे साइड चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बैक की तरफ देखिए. टेल लाइट का शेप देख सकते हैं एक्स की तरह. बहुत अच्छा लगता है देखने में. इट लुक्स रियली ग्रेट. आपको मैं चालू करके भी बताता हूँ. इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं अपने क्लासिक निंजा काफ़ी अच्छे हैं. जो टायर है उसके ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगी हुई है. देखने में बहुत अच्छी और स्पोर्टी लगती है. और आपको साथ ही साथ ब्लैक अलॉयज मिलते हैं. ये व्हीकल आपको चेन ड्राइव मिलता है. और जो चेन है जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ओपन है. सो इसमें डर्ट वगैरह जाने का थोड़ा ज़्यादा इशू हो सकता है. सो वो एक बात है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी. बाकी इट्स रियली ग्रेट. यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग टायर प्रेशर. आपको कितना डालना चाहिए, क्या करना चाहिए एंड एवरी थिंग. यहाँ पर आपको टायर एंड लोड डेटा का दिया हुआ है. अब बात करते हैं फ्रंट के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलूँगा जो भी हेडलाइट सिस्टम है इसके अंदर इंडिकेटर्स वगैरह बैकलाइट वगैरह जो भी है इट्स ऑल LED. इसमें आपको कुछ भी हेलोजन नहीं मिलेगा. आप जो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल है एरोडायनामिक्स के लिए. आप देख सकते हैं इट्स एक्चुअली काफ़ी पॉइंटी है. एरोडायनामिक्स के मामले में दिस व्हीकल इज़ रियली ऑसम. जो थ्रो है इन लाइट्स का आप देख सकते हैं. आपको यहाँ पे 3 अलग अलग दिया हुआ है थ्रो के लिए. बहुत अच्छे लगते हैं. यहाँ पे आपको छोटा सा दिया हुआ है. जो इंडिकेटर्स है इन माई ओपिनियन जितने भी स्पोर्ट्स व्हीकल है जो निंजा प्लेसमेंट करता है ना इंडिकेटर्स ये मुझे बेस्ट लगती है. जस्ट बिकॉज जैसे कि RR 310 हो गया ये सब हो गया उसमें बाहर निकलते हैं इंडिकेटर्स. तो फॉर एग्जांपल अगर 120 प्लस चल रहे हो लिटरली टूट जाते हैं. सो ये प्लेसमेंट बेस्ट है. द इंडिकेटर्स आर रियली ग्रेट ऑन दिस. यहाँ पे आपको कावासाकी की बैजिंग दी हुई है. आपको यहाँ पे नंबर प्लेट की स्पेस दी हुई है. यहाँ पे आप मिरर्स देख सकते हैं काफ़ी स्टर्डी है. लुक्स रियली नाइस. जो बिल्ड क्वालिटी है इस व्हीकल की इट्स रियली अमेजिंग एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम निंजा. जो कर्व वेट है इस व्हीकल का वो है 196 kg. जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2115 mm. इट्स रियली लॉन्ग. आपको लाइक मुनेवर करते समय थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है बट इट्स कूल. जो ओवरऑल हाइट है वो देख सकते हैं आप वो 1145 mm है. इट्स अ टॉल व्हीकल. जो सीट हाइट है जिसके आप देख सकते हैं वो है 790 mm की. इट्स रियली ग्रेट. एक्चुअली में मोस्टली एवरेज रहता है 800 mm. सो ये थोड़ा कम है. सो आपके अगर हाइट कम है सो आप इसे तब भी चला सकते हैं. और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 130, जिसका मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा इशू है. बिकॉज हियर इन मुंबई
130 ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ के स्पीड ब्रेकर इतने ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं कि यहाँ पे नीचे टच होने का बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाता है। सो इन माई ओपिनियन ये गाड़ी नीचे टच होगी ऑन सर्टेन स्पीड ब्रेकर्स। आपको ये व्हीकल के अंदर मिलते हैं 6 गियर्स, 1 डाउन एंड 5 अप और बीच में न्यूट्रल एज ऑलवेज। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी निंजा की कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्चुअल में विजिबल ऑयल का दिया हुआ है एज वेल एज़ आपको यहाँ पे कूलेंट का भी दिया हुआ है। ग्रीन कलर का कूलेंट लगता है, आप एक ग्लैंस के अंदर देख के बता सकते कितना कूलेंट टिकिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और जो इंजन की क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी लगी। जो लीवर्स वगैरह है दे आर ऑल्सो नाइस। आपको निंजा 650 के अंदर मिलता है रियर के अंदर हॉरिजॉन्टल बैक लिंक विद एडजस्टेबल प्री लोड सस्पेंशन, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। ये एडजस्टेबल है, आप इसे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कर सकते हैं। और जो फ्रंट सस्पेंशन है जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन। इट वर्क्स रियली ग्रेट मुंबई या सिटी राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और दे आर ऑल्सो स्टिफ, लाइक बोलते हैं ना एकदम लाइक लीनियर और हार्ड के बीच का जो परफेक्ट बैलेंस रहता है, इट्स ओनली दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेंज। ये गाड़ी में आपको मिलता है 15 लीटर्स की कैपेसिटी, जो कि आपको एवरेज देगी 30 कंपनी क्लेम। उसके ऊपर आपको मिलती है रेंज 450 किलोमीटर की। और जो टॉप स्पीड है जो कि मैक्सिमम इट कैन गो, इट्स 210 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर्स, विच इज़ रियली ग्रेट। 650 सीसी का है, 200 आराम से टच करेगा विदाउट एन एफर्ट। आपको ये व्हीकल के अंदर मिलते हैं सीट के टायर्स जो कि स्पोर्ट्स हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। 17 इंचेस के टायर्स है, बैक में भी आपको 17 के मिलेंगे और जो फ्रंट है उसमें भी आपको 17 इंचेस के टायर मिलेंगे। जो डिस्क का साइज़ है आप देख सकते हैं, आगे डबल डिस्क है। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द डिस्क। ब्रेकिंग पावर की ज़रा कोई कमी नहीं है विद डुअल चैनल ABS, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको निफिन की ब्रेक्स मिलेंगे, पैटर्न देखने में बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिया है, यहाँ पे आपको ABS की बैजिंग, यहाँ पे आपको इंडिकेटर। और आप देख सकते हैं जो ओवरऑल बाइक की जो ग्रेफिटी है ना वो बहुत अच्छी लगी मुझे। सो अब बात करते हैं इसके TFT डिस्प्ले के बारे में। ये न्यू है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आप देख सकते हैं इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या एनिमेशन रहेगा, कावासाकी लिखा हुआ आता है, जिसके आप देख सकते हैं इट्स रियली स्मूथ एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको हेडलैम्प का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट दी हुई है, यहाँ पे भी इंडिकेटर, यहाँ पे न्यूट्रल का, यहाँ पे आपको ABS की लाइट दी हुई है। यहाँ आपको नीचे एक सेंसर का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बैटरी का दिया हुआ है, टेम्परेचर का दिया हुआ है, लीकेज का दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टाइम दिखता है, यहाँ पे आपको एवरेज दिखता है। आप देख सकते हैं रियल लाइफ माइलेज ये 1300 किलोमीटर चली, आपको 20.2 का एवरेज दे दिया है। यहाँ पे आपको ऑडोमीटर दिया हुआ है, आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको RPM मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर भी दिया हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गियर इंडिकेटर, बिकॉज कभी कभार भूल जाते हैं तो यू कैन जस्ट लुक एट द सिस्टम एंड यू नो के क्या है। यहाँ पे आपको फ्यूल का गॉग दिया हुआ है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे आप एक्चुअल में चेंज कर सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड एवरीथिंग, फिर डायरेक्ट ऑडोमीटर पे, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं रेंज क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल टाइम कितना हुआ है, और जो बैटरी का वोल्टेज है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल रेंज दी हुई है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सिस्टम। 300 के ऊपर निंजा 300 जो है उसके अगेंस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। निंजा 300 एक्चुअली में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा लैक करता है, और ये उसकी जगह पे बहुत ज़्यादा बेटर है। सो अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊँगा, जितने भी लीवर्स है व्हीकल के अंदर सारे के सारे एडजस्टेबल है, उसमें आपको 5 सेटिंग्स दी हुई है। लीवर्स आर रियली नाइस, एल्यूमिनियम के है, स्टडी है, ब्रेक का भी वही है। जो बटन क्वालिटी है एज यू कैन हियर बहुत अच्छी है, मुझे बटन क्वालिटी बहुत अच्छी लगी इस व्हीकल की। देर इज़ नाइस, यहाँ पर आपको वार्निंग वगैरह दी हुई है क्या है क्या नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लिकीनेस जो है ना बटन से देर ऑल्सो नाइस, जो पैलन गैप्स है वो भी बहुत अच्छे लगे मुझे। फिट एंड फिनिश के मामले में A+ फॉर दिस व्हीकल। अब बात करते हैं एरोडायनामिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप देख सकते हैं एक्चुअली में ये भी एरोडायनामिक का ही है, यहाँ से हवा पास होती है और वहाँ से जाती है। वन मोर थिंग ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्चुअली में थ्रू होता है। एरोडायनामिक्स आर रियली ऑसम ऑन दिस व्हीकल। जो कटिंग्स है, जो कट्स है बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल है, जस्ट बिकॉज एरोडायनामिक्स के लिए। यहाँ पे भी आप जो मेन नोज उसमें भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको थोड़ा सा गैप दिया हुआ है जाते हुए बोथ ईयर। सो इससे क्या होता है कि हवा एक्चुअली में ना इसको पूरा फाड़ कर निकलती है गाड़ी, हवा की वजह से आपकी गाड़ी पीछे नहीं होगी। सो ये है इसका सेकेंड कलर, ये ऑफिशियल अपना निंजा का सिग्नेचर कलर है लाइम ग्रीन। सो इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन कलर का दिया हुआ है, एज वेल एज़ यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की एक्सेंट्स दी हुई है, रेड कलर का, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है देखने में आपको। यहाँ पे निंजा 650 की बैजिंग दी हुई है, आपको मैं दूसरे साइड पर दिखाता हूँ क्या है। एज यू कैन सी यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ दी हुई है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। दिस इज द एग्जॉस्ट नोट, इट साउंड्स अमेजिंग।
आपको रेसिंग बाइक्स के अंदर आपने बहुत से देखे रहेगा जो स्पोर्ट्स बाइक है उसके अंदर यहाँ पे आपको एक्चुअल में स्ट्राइप दिया हुआ है, ये यूज़लेस नहीं है, एक्चुअल में आपको बाइक मैन्यूवर करने के लिए, जैसे कि आपको कोई टाइट स्पॉट से निकालना होता है उसके लिए ये है। रेसिंग बाइक्स की कंपनी जो रहती है वो अननेसेसरली कोई भी चीज़ पुट नहीं करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन लोगों को जितना हो सके उतना कम वेट रखना है व्हीकल का। सो डोंट थिंक के जो गाड़ी में जो भी लगा हुआ स्पोर्ट्स में वो यूज़लेस हैं, इट्स देयर फॉर अ रीज़न। सो दिस वॉज निंजा 650, जैसे कि आपने देखा दिस इज़ अ रियली ग्रेट व्हीकल, कलर स्कीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली द ग्रीन वन, मुझे कलर स्कीम बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसा लगा ये व्हीकल कमेंट डाउन बिलो, अगर जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह है कमेंट डाउन दोज एज वेल, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।